हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एज पर मैंने बहुत सारे स्कूल्स में सुना है, दो तीन स्कूलों में, कि मतलब फोर्स एंड प्रेशर से स्टार्टिंग कराई जा रही है सिलेबस की। सो मैंने सोचा कि हम लोग भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम साइंस का क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फोर्स के बारे में तो सबने सुना होगा कि फोर्स लाइक हम किसी चीज को या तो धक्का दे या फिर अपने पास खींचे, हम उसे फोर्स बोलते हैं। लाइक अ पुश और पुल, जैसे कि आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि कार खराब हो जाती है तो उसे धक्का देते हैं पहले थोड़ा सा चलाने के लिए, तो हम एक टाइप का वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि बॉल फेंकना, तो हम बॉल फेंक रहे हैं, बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे फेंक के, और फिर वो बॉल आगे बढ़ रही है। तो या तो किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को अपने पास खींचना, पुश और पुल, उसे हम बोलते हैं फोर्स। सो द फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करना इज नोन एज फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो अब देखो, फोर्स क्या हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल लो कि एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, मान लो कि, या ये कुछ कॉपर का है या फिर किसी भी चीज का, ये बहुत भारी है। तो अब अगर यहां से एक इंसान धक्का लगाएगा और यहां से एक इंसान धक्का लगाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, अब ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं दोनों आदमी, बट कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स होता है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो, जितना भी फोर्स ये दोनों लगा रहे हैं उतना कैंसिल आउट हो जा रहा है, बाकी कोई अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा होगा तो उस तरफ ये बॉक्स खिसक जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये वाला लड़का नहीं है, अब दो जने फोर्स लगा रहे हैं बट इन द सेम डायरेक्शन। तो आप खुद सोचो, एक कोई एक भारी चीज है, कोई एक बंदा फोर्स लगाता है तो नहीं खिसकती, बट दो बंदे या तीन बंदे आते हैं तो खिसकनी चालू हो जाती है। मतलब कि अब फोर्स बढ़ चुका है, मतलब कि अब जो फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, तभी बॉक्स पे फोर्स इंक्रीज हुआ और बॉक्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फोर्स ऐड होगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब एक मैग्नीट्यूड के थ्रू फोर्स की जो वैल्यू है वो एक्सप्रेस होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जो ये पहला वाला पर्सन है वो लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, और ये जो दूसरा वाला पर्सन है वो लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये दोनों मिलके कितना लगा रहे हैं, 7 न्यूटन का फोर्स। ये n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है न्यूटन को, न्यूटन क्या होता है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, n डिनोट्स टू न्यूटन, ओके। तो मैग्नीट्यूड हो गई ये चीज। अब देखो, ये तो आपने प्लस वाले में देखी, एक माइनस वाले में एग्जांपल लेके देखो, बाय चांस ये आदमी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स आ गया, तो दैट मींस 5 माइनस 2, टोटल में सिर्फ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन का यहाँ से लग रहा है, दैट मींस कि जो बॉक्स होगा वो किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, लाइक लेफ्ट हैंड साइड वो बॉक्स मूव करेगा। नाउ अब देखो, फोर्स जो होता है वो किसी भी चीज को, अगर वो स्टेशनरी पे है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे रहना, कोई मूवमेंट ना होना किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो फोर्स
ऐसा भी करता है कि जो चीज रेस्ट पे है उसे मोशन में ले आता है, कोई चीज मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ले आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है वो जमीन पे रोल डाउन हो रही है, अब हमने उस पर यहाँ से फोर्स लगाया, लगा रहे हम फोर्स, तो वो बॉल जो होगी रेस्ट में आ जाएगी। अब कोई बॉल रेस्ट में है और हमने इधर से धक्का मारा या इधर से धक्का मारा तो वो बॉल मोशन में आ गई, तो इसको हम बोलते हैं कि स्टेशनरी टू मोशन और मोशन टू स्टेशनरी फोर्स ये चीज भी करती है। देखो एक डेफिनेशन भी होती है कि अ मूवमेंट अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट रिमेन्स इन मोशन और रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो स्टेशनरी में नहीं आ सकती और स्टेशनरी में है तो मोशन में नहीं आ सकती। बाय चांस अगर मोशन में है तो स्टेशनरी में क्यों आ जाएगी, भाई आके जाके रुक गई, कुछ हो गया, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, वो भी एक टाइप का फोर्स ही है कि जो उसको रोक रहा है आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया गया हो। ठीक है, तो यही चीज ये डेफिनेशन दर्शाती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो मैंने आपको दिया है। बट द मेन डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, एट क्लास के हिसाब से। ओके, ये तो सिर्फ एक समझाने का जरिया था जो मैंने आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझा दिए। अब देखो अ फोर्स कैन चेंज अ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे? आपने वो स्लाइम देखी है कि स्लाइम एक छोटी सी डब्बी में कुछ गिल गिला सा स्लाइम आता था तो उसको हम यू करते थे तो वो ऐसी शेप में आ जाती थी, उसको हम बंद करते थे तो वो एकदम सिकुड़ जाती थी, ऐसी शेप में आ जाती थी। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उस हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। या फिर कोई रबर बैंड, जैसे कि वो आते हैं ना रबर बैंड जो बहुत पतले जो नोटों की गड्डी में लगते हैं, लाइक ऐसे होता है ना, तो उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जब तक हम स्ट्रेच करेंगे तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद हमने उस पर फोर्स लगाया तो हमने उसको स्ट्रेच कर रखा है, उसकी शेप चेंज हो गई। बट जैसे ही हमने फोर्स हटाया उस पे से वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज शेप करने का एग्जांपल। अब देखो फोर्स कैन, फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फोर्स को लेके कि फोर्स क्या क्या होता है, फोर्स हम किसको बोलते हैं, फोर्स क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, फोर्स कैन, अब फोर्स क्या कर सकता है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, वो मूव करा सकता है ऑब्जेक्ट को, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग, वो स्पीड भी चेंज कर सकता है। कैसे, मान लो कि एक बॉल है वो बहुत तेज मूव कर रही है बट हमने सिर्फ उस पर इतना ही फोर्स अप्लाई करा है कि बॉल की स्पीड धीरे हो जाए, रुके ना वो, तो बॉल की स्पीड धीरे हो जाएगी बट स्टिल इट्स मूविंग, जब तक हम उस पर इतना फोर्स अप्लाई नहीं करते कि हाँ भाई पकड़ के अब हमें रोकनी ही पड़ेगी, ठीक है, तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी। तो ऐसे हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में उसकी शेप चेंज हो जाती है, और ये है कि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मैं फिर वही बॉल का एग्जांपल लूंगी कि देखो जैसे कोई बॉल है रोल डाउन हो रही है, हमने उस पर फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में रोल डाउन हो रही है, हमने उस पर फोर्स लगा के उसको उस साइड भेज दिया तो अब वो उस डायरेक्शन में रोल डाउन होगी। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो, मैं उसी के ऊपर एग्जाम्पल ले रही हूँ जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो या जो आपने बचपन में या कहीं पे भी कैसे भी किया हुआ है या आप अभी भी करते हो, मैं कोई भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं ले रही कि जो आपने अभी तक ना सुना हो। ठीक है, तो देखो ये हो गया मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
वही स्लाइम वाला और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड वाला एग्जांपल हो गया, दे चुकी हूँ मैं आप लोगों को एग्जांपल, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। अब कई केस में ऐसा भी होता है कि या तो इसमें से कुछ या फिर सारे हम अप्लाई कर सकते हैं, कि कुछ रेस्ट से मोशन में भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसकी स्पीड भी चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, फिर हमने उसकी शेप भी चेंज कर दी, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल बहुत ही स्लाइटली तुम्हें कहीं मिलेगा, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अबाउट 4 समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, और फिर उसके बाद एक नॉर्मल सा टॉपिक आपका प्रेशर बच जाएगा। देखो फोर्स में कुछ भी नहीं है, अभी 8th क्लास में तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सो आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक मत होना कि मैं भाई हमने तो कभी फोर्स का नाम सुना नहीं है, नहीं वो नहीं क्या है ये क्या नहीं है। फोर्स एक बस एक टाइप का जैसे बोलते जान लगाना अपनी, कि जान दिखाओ अपनी कि भाई हाँ देखो हमें इतनी जान है, हम इतना फोर्स लगा सकते हैं, हम इस चीज़ को इतना पुश कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है कि जैसे किस चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी चीज़ माने ड्रेसिंग टेबल, अब पीछे से उसको हटाना है, सफाई करनी है उसके पीछे से, तो पहले हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि वो हट जाए, फिर उसके बाद वह सफाई करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी जगह पे रखेंगे। लाइक ये डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है जो हम अपने उसमें देखते हैं फोर्स के, ठीक है। अब जैसे कि फोर्स का एक ये वाला एग्जाम्पल भी होता है कि हम चल रहे हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स। आप लोगों को नहीं पता ये बात, बट हमारा चलना द ह्यूमन बींग वॉकिंग ये एक टाइप का फोर्स है। कैसे? क्योंकि उसमें हम चलते चलते जमीन को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे फोर्स लगा रहे हैं जमीन को धकेलने के लिए, और जिससे हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया फोर्स का मतलब, ये एक तरीके का जाल लगाना, ठीक है। अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो उसको किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या अपनी तरफ पुल करना, ये एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट टू, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इन द सेम डायरेक्शन जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऐड होगा, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स नेगेटिव मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे? अब ये भी एक बहुत ही लॉजिकल चीज है कि अगर 2-3 जने मिलके एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस वो फोर्स बढ़ जाएगा। बट अब मान लो कि ये बॉक्स है बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये है कोई आदमी और ये है कोई आदमी, मान लो कि दोनों में सेम जा रहे हैं, तो ये भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो एक बात सोचो कि जो नेट फोर्स है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में एकदम सेम तरीके का फोर्स लग रहा है, तो क्या हो गया 2-2 दैट इज जीरो, मतलब कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा उस बॉक्स को, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस वाले उसमें जो बॉक्स की मूवमेंट थी वो इस साइड क्यों हो रही थी, क्योंकि इस साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा था और इस साइड से सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। समझ में आया? अब तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको अपने माइंड में रखना, और ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है, ये भी चीज माइंड में रखना। कभी कभी कुछ नहीं पता कि क्या क्वेश्चन उठ के आ जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, ये छोटा सा बेसिक था फोर्स के बारे में, अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कॉमेंट, बट क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आगे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। सो डू कॉमेंट, और प्लीज यार थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओ, कॉमेंट करो, बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज। अब मैं अपनी हर वीडियो में चाहे लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं बोलती, बट अब मैं अपनी हर वीडियो में इंटरेक्शन के लिए जरूर बोलती हूँ, कि एटलीस्ट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हाँ भाई जिन लोगों के लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ वो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही, वो लोग डाउट पूछ रहे हैं कुछ, सो आप लोग भी समझ सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी मैं कैसे वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए।
सो स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करना, और अगर समझ में आ गया सब कुछ तो वेल एंड गुड। वैसे इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, ये बहुत ही बेसिक से नॉलेज है जो हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है, अबाउट फोर्स। और ये मैंने आप लोगों को डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दिए। सो स्टूडेंट्स, स्टडी वेल, और एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, यहाँ तक का टाइप्स ऑफ फोर्सेस से पहले का सारा इसी में कवर हो गया, कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसी को अच्छे से पढ़ना। वहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए मैं, उनको भी अच्छे से रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।